तो अभी यहाँ पे आ चुके हैं हम कार रेंट करने के लिए एंड ऑप्शन है वो अभी। थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, बाय। सो गुड मॉर्निंग गाइस, ऐसे अपना कुछ आउटफिट, बाकी अभी चल रहे हैं गाड़ी की बुकिंग करवाने। एंड देखो होती है नहीं, कार्ड की दोबारा से दिक्कत तो नहीं आएगी जो पिछले व्लॉग में बताया था। सो यस, अभी चलते हैं एंड देखते हैं क्या सीन है। अभी पापा के साथ जा रहा हूँ, बाकी मम्मा और ताने भी रेडी हो रहे हैं। अभी यहाँ पे आ चुके हैं हम कार रेंट करने के लिए एंड ऑप्शन है वो अभी इनके यहाँ खड़े हुए हैं। बाकी और देखते हैं और क्या क्या है यहाँ। बाइक भी खड़े हुए हैं बहुत अच्छी। सो ये वाली गाड़ी थी मुझे मुला गया एयरपोर्ट पर मिल रही थी, जो कार के चक्कर में हमारी रह गई थी। सो यहाँ पे हमें देखे तो इट्स अ गुड कार। सो यस, तो अभी कार रेंट ढूंढते आस पास थोड़ा घूमने गए थे, काफ़ी अच्छे एरिया है। एंड दोबारा वहीं पे आ चुके हम, क्योंकि हमें अभी कोई आइडिया नहीं है पसीना है क्योंकि हमें कोई आइडिया नहीं है यहाँ पे और कहाँ कहाँ मिलती है रेंटल कार। सो हमने ये डिसाइड करा अभी के लिए ये ले लेते हैं एंड आगे कल वल में ढूंढ लेंगे। आस पास अगर मिली तो हमारा बहुत मन है एक ओपन कार लेने का यहाँ पे, कोई BMW या Porsche वोशा टाइप्स। सो अगर मिलती है देन वील गो फॉर इट। वैसे तो ये भी खड़ी हुई है इनके पास, बट ये सारी रेंट के लिए नहीं है, इनकी शायद पर्सनल होगी। ये वाली रेंट के लिए है, बट इसका रेंट 700 यूरोज अराउंड है, जो 65,000 समथिंग बनता है। सो यही कार रेंट कर रहे हैं, मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई ये कार फॉर नाउ। इसके अलावा मर्सिडीज़ मिल रही थी, वो ऑब्वियसली नहीं ले ली क्योंकि इंडिया में भी चलाते ही हम। एंड दिस इज़ कुपरा, इसका लोगो और इंटीरियर काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। एंड प्लस जितने की हमें यहाँ पे मिल रही है उतने हमें एयरपोर्ट पे 3 दिन के लिए मिल रही थी। अब मज़े करने हैं तो यू हैव टू पे। सो यहाँ पे सारा काम अभी डन हो चुका है एंड काफ़ी इजी प्रोसेस था, बहुत ही इजीली इन्होंने हाफ एन आवर भी हमारी वजह से लग गए। जो हमारी डिपॉजिट था वो होटल में रह गया था, रेंट के लिए सही था, डिपॉजिट के लिए और देना था सिक्योरिटी के लिए। सो उसमें थोड़ा टाइम लग गया, बाकी बहुत ईजीली हो गया सारा। सो यस, इफ़ यू एवर विजिटिंग मार्बेला यू कैन rent a car from GTI and company. Nice, thank you guys. Nice, thank you. Thank you. Thank you very much. Bye. तो ऐसी कुछ इतनी प्यार सी चाबी है इसकी, अच्छी लगी काफ़ी ज़्यादा मेरे को गाड़ी है। एंड इंटीरियर आप देख ही चुके हो पहले। अभी यहाँ पे आए थे हम ओल्ड टाउन में एंड गाड़ी चलाना यहाँ पे होगा बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन हैं इनके, यहाँ से नहीं जाना वहाँ से नहीं जाना। एंड अभी यहाँ पे जो आपको क्लिप दिखाई थी चर्च वाली, यहाँ पे घुस गए थे हम, यहाँ पुलिस वाला आ गया हमें पकड़ने के लिए क्योंकि हम यहाँ पे गाड़ी अलाउड नहीं थी और अंदर तक गाड़ी लेके आ गए थे। एंड यहाँ पे अभी किसी की शादी चल रही है एंड काफ़ी मतलब अच्छा ज़्यादा लग रहा है, छोटी सी गैदरिंग है और बड़े मतलब सारे स्वीट से लोग हैं। आई विल शो यू।
अपना आधे घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग यहाँ पे आए हैं मिजाज में। ये पहाड़ों के बीच में है एंड हाईवे पे भी काफ़ी गाड़ी चलाई, अपना शॉर्ट्स में ज़्यादा ले नहीं पाया क्योंकि जो अपना वो गोलू पहलवान है वो काम नहीं करता कुछ, और मैं गाड़ी चलाते हुए ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड कर नहीं सकता था। तो बाकी सीन्स दिखाता हूँ, बड़े प्यारे सीन्स है एंड कुछ ओल्ड टाउन विलेज टाइप ही है भी। तो अभी यहाँ पे काफ़ी अच्छी फोटोज वगैरह खिंचवाई है एंड अब यहाँ से निकल रहे हैं, होटल जाएंगे हमारा मन है कि होटल पे जाके वहाँ पे सनसेट एंजॉय करेंगे क्योंकि अपने जो होटल का व्यू है सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा एरिया है वो, सो वहीं पे चलते हैं अभी। एलॉयज भी बहुत अच्छे हैं, स्पॉइलर लगा रखे पीछे एंड नीचे भी बॉडी किट लगवा रखी है। सो अभी वहाँ से होने के बाद कहाँ गए थे अभी हम? हाँ जो हमने अभी मिराज जहाँ गए थे मिराज जहाँ गए थे तो वहाँ से होने के बाद अब वापस होटल आ चुका है क्योंकि हमें सनसेट इन्जॉय करना था और हमारे होटल से बढ़िया सनसेट कहीं पर होता ही नहीं है क्योंकि जो यहाँ का मेन टूरिस्ट स्पॉट है वो हमारा होटल ही, होटल का आसपास वाला एरिया ही है। सो ये सभी यहाँ पे बैठे हुए और बहुत क्लासी सबसे हैपनिंग स्पॉट और टूरिस्ट स्पॉट ही, मतलब सारे टूरिस्ट यहीं पे आते हैं। और सेकंड थिंग कि अभी जहाँ पे हम बैठे हुए हैं बहुत बढ़िया जगह है और यहाँ पे अभी हुक्का आने वाला है, आज तक कभी ऐसे जगह पे नहीं बैठे हम, बिल्कुल एकदम बाय द सी। सो यहाँ पे हम बैठे हुए हैं एंड यहाँ पे अभी हुक्का लगेगा एंड सीन देखो, बिल्कुल एकदम सी के साइड में ही बैठे हुए हैं। तो अब दोबारा निकल चुके हैं हम वही वाली सेम रोड घूमने के लिए जो हमने कल घूमी थी, जो आपने लास्ट व्लॉग में देखी होगी एंड बड़ी प्यारी रोड है। अगेन बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं यहाँ पे एंड आज जाएंगे, कल तो हम लैंड हुए थे मतलब पिछले व्लॉग में, क्लबिंग नहीं करते, आज हम जाएंगे क्लबिंग।
सो अब आपको यहाँ का दिखाते हैं। जो बुकिंग वगैरह की मैं बात कर रहा था पिछले व्लॉग में, वो ये थे कि हमें यॉच बुक करवाना और एक गाड़ी बुक करवानी थी। सो यॉच तो नहीं हो पाया पर गाड़ी हो गई। गाड़ी भी यस, और गाड़ी तो हो गई बट जो हमें चाहिए वो वाली नहीं मिली, शायद कल मिल सकती है। बेंडे कन्वर्टेबल मैट वाइट में बहुत प्यारी लग रही है। ये वाली कार हम सोच रहे थे रेंट करने की बट ऑब्वियसली नहीं मिली, एंड मिलती भी तो इट वुड बी वेरी एक्सपेंसिव। एंड इंटीरियर भी इसका वाइट है। She doesn't know who I am. She doesn't care. चुके हैं 3 एंड मैं और पापा अलग अलग क्लबिंग चले गए थे बिकॉज यहाँ पे साथ वाली क्लबिंग का सीन नहीं था क्योंकि मज़ा नहीं आता। एंड पापा तो जल्दी चले गए थे वापस होटल। सो अब निकला हूँ मैं, और जो ये क्लिप दिखाई थी इससे पहले 3 बजे ना यहाँ का ये हाल हो रखा है, पूरा रश है, कोई भी ऐसा सीन नहीं है कि सुनसान है कुछ है। प्राग एंड बुदापेस्ट वगैरह से थोड़ी ज़्यादा क्लबिंग है यहाँ पे एंड थोड़ी हर तरीके की है मतलब। So yes, if you are coming here with friends or come alone as you wish, या फिर पेरेंट्स के साथ आके अलग अलग हो जाओ जैसे हमारी तरह। So yes, अभी बज रहे 3, अब बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, लाइक शेयर कमेंट, बाय बाय।